नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है और 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। यूपी चुनाव में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा, ये अभी ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों का सिलसिला लगातार चल रहा है और इन्हीं अनुमानों पर बयानबाजी भी जारी है। क्या कह रही है सत्ता और विपक्ष की बयानबाजी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है और 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव के खत्म होते ही अलग अलग एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट भी आने शुरू हो गए हैं। यूपी में 7 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल के अनुमानित नतीजों में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी का जादू चलता नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश का किंग कौन होगा, ये तो 10 मार्च को ही तय होगा, लेकिन अनुमानित नतीजों को लेकर नेताओं ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। जो हम प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है, वे चीजें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है, इस राय से मैं सहमत नहीं। जो उत्साह हमने देखा, जो परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों के मन में था और जो विश्वास हमारे और इस गठबंधन के प्रति आम लोगों में दिखाई दिया, मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे। 10 मार्च को एग्जिट पोल का फटेगा ढोल, भाजपा होगा डब्बा गोल, बहेगी सापा की हवा, चलेगी साइकिल। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अनुमानित एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि सपा और अखिलेश यादव के दावों और साइकिल की हवा निकल गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा कि मतलब यूपी की जनता 10 मार्च को सपा को समाप्तवादी पार्टी बना रही है। अखिलेश यादव के 400 सीट जीतने के दावे पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए लिखा, अखिलेश यादव जी मतगणना के पहले ही 300 पर आ गए, 10 मार्च को गठबंधन के साथ 100 भी नहीं जीत पाएंगे। एजेंसियों के सर्वे रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले चरण से जो बढ़त बनाई वो अंतिम चरण तक कायम रहते हुए बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार ले जाती दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी यूपी में सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रही। खैर, 10 मार्च को पता चलेगा कि यूपी के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। प्राइम टीवी के लिए अर्चना की रिपोर्ट। सभी प्रत्याशियों से लेकर दलों तक की जिस तरह से किस्मत ईवीएम में कैद है तो उसको लेकर भी बवाल चल रहा है, तो वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर भी विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन असल में क्या परिणाम आएगा, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही है ये सियासत को गर्मा रही है। हर अपडेट के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।